विजयदशमी की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम विजयदशमी की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नगरी एक अयोध्या जिसके राजा दशरथ थे, राम लखन और भरत शत्रुघ्न पुत्र चार हुए। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा है ली, अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए चारों ही भाई। गुरु विश्वामित्र आए हैं एक दिन फिर तो दरबार, राजन इस धरती पे बढ़ा पाप का भार। ऋषि मुनियों को दानव यज्ञ न करने देते हैं, मैंने सुना है बड़े बलशाली आपके बेटे हैं। आपके पुत्र राम को हम ले जाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र को राजन ने किया हाथ जोड़ प्रणाम, बोले गुरु श्रेष्ठ ये बालक अभी बड़े नादान, पापी दुष्टों का ये सामना कैसे कर पाएंगे, राम बिना एक पल तो हम भी ना रह पाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने फिर राजन को वचन सुनाए, का करने आए हैं, भेजो विश्वामित्र के संग राजन ना घबराओ, जो होगा अच्छा होगा बस देखते तुम जाओ। राम लखन को विश्वामित्र के साथ पठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार भक्तों का करे उद्धार, विजयादशमी त्योहार भक्तों का करे और सुबाहु नाम के दानों दो बलवान, ऋषियों को ना करने देते यज्ञ हवन पुण्यदान। बोले विश्वामित्र तुम्हें वध इनका करना है मायावी राक्षस दोनों पर ना डरना है। राम लखन ने उनके आगे फिर तो शीश झुकाया, बोले गुरुवर इनका काल तो हाथ हमारे आया। मारिच और सुबाहु को फिर तो ललकारे हैं, राम लखन के हाथों दोनों गए मारे हैं।
मुनियों को बचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गौतम के आश्रम में उन्हें विश्वामित्र लाए, देखा एक शिला को राम ये पूछना है चाहे, बोले विश्वामित्र इनका नाम अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी थी ये शाप से बनी शिला है, चरण कमल जो पड़े आपके हो जाए शिला, यहाँ बन जाएगी सुंदर नार। श्री राम ने शिला को जैसे अपना पैर लगाया, प्रकट हुई अहिल्या और श्री राम को शीश झुकाया, कर उद्धार अहिल्या का फिर लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार भक्तों का करें उद्धार, विजयादशमी त्योहार भक्तों का करें मित्र अपने आश्रम उनको लाए हैं, सीता स्वयं पर पता लगा के जनक रचाए हैं, बोले विश्वामित्र चलेंगे हम भी स्वयं पर में, देखे योद्धा कितने आए सीता को वरने, विश्वामित्र राम लखन को जनकपुरी में लाए, शर्त स्वयंवर की जो शिव के धनुष को दौर चढ़ाए, उस योद्धा को पति रूप में सीता अपनाए, बारी बारी बल अपना फिर सब अजमाने आए, लेकिन शिव के धनुष को वो तो हिला न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की आज के दिन बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार भक्तों का करें उद्धार, विजयादशमी त्योहार भक्तों का करें उद्धार। राजा जनक हुए हैं फिर तो बड़े उदास, खाली हुई तरह वीरों से होता है आवाज, ना रखता ये शर्त जो मुझको इतना पता होता, अपने शर्त पे मुझको पश्चाताप नहीं होता, इतना सुनकर लखन लाल को आया बड़ा ही क्रोध, बोले राजन उचित नहीं है ये जो आपकी सोच, क्या औकात धनुष की मैं तो उठा दूं ये कैलाश, धनुष के मालिक शिव शंकर जहाँ खुद करते हैं वास, विश्वामित्र लखन लाल को ये समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार
स्थान, कथन तुम्हारा पूरा करके दिखलाएंगे राम। उठकर राम ने विश्वामित्र को है शीश झुकाया, आकर सूखे धनुष को अपने हाथों में है उठाया। लगे चढ़ाने श्री राम जैसे ही प्रत्यंचा, हुई भयंकर गर्जन, शूका धनुष ही टूट गया। श्री राम के गले में डाली सीता ने वरमाला, परशुराम के क्रोध की किंतु भड़क गई ज्वाला। श्री राम फिर परशुराम को भी समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा जनक ने विश्वामित्र से किया है ये अनुरोध, पुत्री उर्मिला भी है मेरी, विवाह के है योग्य। श्रुत कीर्ति और मांडवी को भी हम चाहे हैं, चारों पुत्रियों को दशरथ की बहू बनाए हैं। फिर तो राजा दशरथ को संदेशा भिजवाए, सुने खबर तो राजा दशरथ भूले नहीं समाए। शुभ मुहूर्त में दशरथ आए लेकर बारात, चारों ही भाइयों का हो गया विवाह एक ही साथ। सारे अयोध्या वासी मिलकर खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तिलक की तैयारी जब श्री राम की हुई, कह के कभी दशरथ जी से वचन भराए थे, वही वचन अब दशरथ जी से लेना चाहे थे। मांगा है वनवास राम का 14 वर्ष का, राज तिलक हो राम की जगह बेटे भरत का। सुना जो राजा दशरथ ने वो हो गए हैं मूर्छित, किंतु रानी कैकेयी ने ना छोड़ी है जिद। छोड़ तड़पता दशरथ को वनवास वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दशरथ ने तो दिए है प्राण गवाए, गए हुए ननिहाल लौट के भरत भी है आए। जाना सारा हाल खूब अपनी माँ को है कोसा, भैया राम के साथ किया क्यों आ
आपने ये धोखा। जाकर वन में लौटने की है राम से की विनती, किंतु राम ने दी है दुहाई पिता के वचनों की। बोले भरत के राज सिंहासन पे न बैठ पाऊं, अपने चरणों की भैया तुम दे दो मुझे खड़ा। चरण पादुका लेकर राम की लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सरयू पार कराई, दंडक वन में आ गए हैं फिर दोनों ही भाई। कितने ही ऋषि मुनियों का फिर तो उद्धार किया, राम लखन ने दानों और दुष्टों को मार दिया। झूठे बेर भी शबरी के श्री राम ने खाए हैं, एक मिसाल भक्त वत्सल की बनाए हैं। पंचवटी में एक सुंदर सी कुटिया बनाई है, घूमत घूमत सूर्पनखा फिर वहां पे आई है। नकटी बूची उसे लक्ष्मण तो बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कोई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लखते वह भाई रावण के पास आई, बोली कि वन में आए हैं लगते सगे भाई। छोटे भाई ने काट लिया मेरे नाक और कान, उन्हें भुगतना होगा अपने किए कभी परिणाम। जाकर उन दोनों भाइयों को ऐसा सबक सिखाओ, किससे बैर लिया है उनको जाकर ये समझाओ। मामा मरीच को फिर रावण ने अपने साथ लिया, सोने का मृग उसने है मरीच को बना दिया। राम लखन उस मृग के पीछे चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भेष बनाया करके हरण वो सीता का लंका में ले आया। आए दोनों लौट के देखा खाली है कुटिया, लगे पूछने राम लखन से कहां गई सीता। फिर तो जटायु ने है उनको सारा हाल बताया, ले गया हर के सीता को पापी रावण है आया। काट दी मेरे पंख जो मैं
महाराज ने श्री राम को सारा हाल बताया। सीता विरह में दोनों भाई रुदन मचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। किसकिंधा पर्वत पर फिर तो राम लखन आए, बाली वध करके सुग्रीव को मित्र लिया बनाए। वानर सेना सहित लगे सीता की करने खोज, आया सागर रस्ते में दिया हनुमान को भेद। संयोजन का लांघ के सागर हनुमान आए, अशोक वाटिका में बैठे मालिया है पता लगाए। राम निशानी दे करके माता की धीर बधाई, शीघ्र आपको लेने माता आएंगे रघुराई। भूख लगी तो मीठे फल वो खाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भर के पेट फिर हनुमान ने फल भी खाए हैं, लेकिन दानों पहरेदार उसे रोकने आए हैं। अपनी गदा से मार मार के सबको दिया भगा, पता लगा जो रावण को अक्षय को भेज दिया। अक्षय को भी मार गिराया, मेघनाथ फिर आए। फिर मेघनाथ ने उन पर दिया चलाए, हनुमान को बांध के वो दरबार मिलाए हैं। रावण के आदेश से पूंछ में आग लगाए हैं, लेकिन लंका रावण की वो जला ही आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, सुनाते हैं। खबर सुनाई, बना के सेतु फिर लंका पे कर दी शुरू चढ़ाई। भाई विभीषण ने रावण को खूब है समझाया, लेकिन मार के लात उसे फिर रावण ने ठुकराया। और विभीषण लंका को श्री राम शरण में आए, किया उपकार राम ने है उनको अपनाए। बड़ा घोर युद्ध लगा है, होने मच गई चीख पुकार, श्री राम की सेना ने किया दुष्टों का संहार। रावण भी श्री राम के हाथों मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज
हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सारी वानर सेना ने जश्न मनाया, हुई सत्य की जीत है इस दिन पाप गया है हार। विजयदशमी का इसीलिए तो मनता है त्योहार। आज तलक रावण का पुतला फूंका जाता है, धर्म के आगे पाप न भक्तों कभी टिक पाता है। यश पाल ने विजयदशमी की महिमा गाई है, राम नाम जप फौज सुरेश ने कलम चलाई है। हंस राज रेल हंदी ये त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हुई सत्य की जीत आज हम ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।